नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्ट ट्रेडिंग में। तो चलिए, जैसे कल हमने बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल प्रेडिक्ट किए थे, एनालाइज किए थे, वैसे ही आज करेंगे और देखेंगे गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग पे कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। जैसे कि कल आपने देखा होगा मार्केट की, जैसे हमने बताया था कि अगर फ्लैट ओपन हो गया तो कैसे बाइंग का या सेलिंग का टारगेट रखना है, उसी तरह से टारगेट पूरे हो गए थे। तो चलिए, अभी आज कल का भी देखेंगे। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। और फ्री इंट्राडे कॉल चाहिए अगर आपको हर दिन ऑप्शन के, फ्यूचर के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी नए लोग हैं, डीमैट नहीं है, खुलवाना चाहते, वो भी जो हमारे लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं। तो देखिए, कल जैसे हम पहले कल का देख लेते हैं थोड़ा। कल जैसे हमने डिस्कशन किया था कि अगर फ्लैट ओपन होता है और ये क्रॉस कर जाता है तो पहला टारगेट होगा 35,300 का होगा, बराबर है, 300 बताया था या 350 बताया होगा, तो वो भी टारगेट कंप्लीट हो गया। अगर सेल की तरफ जाता है तो वो भी टारगेट दिया था, तो उसी तरह से मार्केट रिएक्ट किया और हमें सभी टारगेट मिल गए। अभी देखिए, अभी राउंड लेवल पे खड़ा है मार्केट 35,500 पे, और थोड़ा सा अभी यूएस का मार्केट अभी देखेंगे तो 2% की गिरावट देखने को मिली है, तो थोड़ा सा रिपरकशन इधर भी आ सकता है निफ्टी के ऊपर या फिर बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी थोड़ा आज निगेटिव था, बैंक निफ्टी पॉजिटिव बना रहा, इसकी वजह से निफ्टी बाद में थोड़ा पुल करके ऊपर आया। लेकिन अभी कल ये दोनों भी निगेटिव होने के चांसेस है, क्योंकि यूएस मार्केट भी थोड़ा निगेटिव है। तो अभी आप लेवल जान लीजिए कि आप कहाँ पर सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट 35,250 के नीचे चलने लगा, डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो गया, डायरेक्ट गैप डाउन 250 के नीचे ओपन हो गया, तो 35,000 विल बी योर टारगेट। तो ये 35,000 आपका टारगेट होगा। डायरेक्टली गैप अप ओपन हो गया तो थोड़ा इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा वन डे के चार्ट में वो समझा दूंगा क्यों आपको गैप डाउन पे इग्नोर करना है। और अगर फ्लैट खुल गया मार्केट, अगर फ्लैट मार्केट खुल गया तो फिर से अगर नीचे आने लगा तो फिर से सेम लेवल, ये इसी लेवल को याद रखना है 35,250, इसके नीचे अगर फ्लैट खुल के चलने लगा तो सेल करना, टारगेट होगा 35,000। और फ्लैट कल के ऊपर चलने लगा तो आपको जैसे ही ये 35,550 के ऊपर चलेगा, फ्लैट खुल के 550 के ऊपर, तो आपको क्या करना है, बाय करना है। तो टारगेट कितना होगा, 35,750 होगा। तो ये था फ्लैट का टारगेट, गैप डाउन का। और गैप अप का मैं बता देता हूँ क्यों आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर जब भी वन डे के एनालिसिस करोगे तो देखिए, मार्केट कंटिन्यू आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज से कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, राइट। तो मार्केट का कैसा रहता है कि कभी भी ऐसे ऊपर जाए तो उसको रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाना पड़ता है। तो देखिए, अभी इतना ऊपर चला गया तो थोड़ा कंसोलिडेशन आके थोड़ा रिट्रेसमेंट नीचे हो सकता है। तो ये 34,000 की लेवल है, वहां तक रिट्रेसमेंट आ सकता है। इसीलिए अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो ज्यादा अटेम्प्ट मत कीजिए, क्योंकि देखिए सेम लेवल पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट गिर चुका है, तो इधर ही ये सेम रिएक्शन दे सकता है। या फिर अगर गैप डाउन हो जाए तो थोड़ा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, जो भी वर्ल्ड मार्केट का सिनारे उस हिसाब से। तो ये थे हमारे लेवल, ये वन डे का एनालिसिस भी आपको बता दिया। अभी शनिवार रविवार को हम मंथली एनालिसिस भी करेंगे, उसमें आपको थोड़ा बहुत और क्लैरिटी आ जाएगी प्राइस एक्शन काम कैसे करता है। तो चलिए, उम्मीद है ये लेवल पसंद आए होंगे। ऐसे ही वीडियो में मिलते हैं कल, और वहां पे हम देखेंगे। टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहां पर आपको फ्री कॉल प्रोवाइड किए जाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।